Welcome in our YouTube channel SC Entertainment Plus. If you haven't subscribed yet, please subscribe and press the bell icon to watch our video first. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और रेलवे सीरीज का ये तीसरा भाग है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारतीय रेलवे से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात, और इसके साथ साथ बताएंगे रेलवे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह और उनके अर्थ। और उसमें से एक चिन्ह का हम आपको अर्थ और उसकी उपयोगिता बताएंगे। तो भारतीय रेल की सबसे रोचक बात करें तो भारत में सबसे तेज और सबसे धीमी चलने वाली ट्रेनों के बारे में बात करेंगे। नई दिल्ली से भोपाल का सफर तय करने वाली शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक है, और नीलगिरी एक्सप्रेस भारत की सबसे धीमी चलने वाली ट्रेनों में सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, अब जानेंगे हम रेलवे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह और उनके बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि रेलवे से जुड़े मुख्यतः चार प्रकार के सांकेतिक चिन्ह होते हैं। नंबर एक, सावधानी संकेतक बोर्ड, कॉशन इंडिकेटर बोर्ड। नंबर टू, गति समाप्तिक सूचक बोर्ड, अंग्रेजी में इसे स्पीड टर्मिनेशन इंडिकेटर बोर्ड के नाम से जानते हैं। और इसकी तीसरी जो बोर्ड होती है, प्रतीक चिन्हक बोर्ड, वो होती है सिग्नल साइटिंग बोर्ड, सिग्नल साइटिंग बोर्ड। और जो चौथा होता है वो सीटी संकेतक बोर्ड, जिसे व्हिसिल इंडिकेटर बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें से हम एक संकेत चिन्ह के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कॉशन इंडिकेटर बोर्ड। कॉशन इंडिकेटर बोर्ड क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। कॉशन इंडिकेटर बोर्ड की साइज 1400x400mm की होती है। कॉशन इंडिकेटर बोर्ड जो होता है वह तीर के आकार का बोर्ड होता है, जो बाईं या दाईं ओर का संकेत करता है। यह संकेत अस्थाई या अस्थाई इंजीनियरिंग कार्य के कारण ट्रैक पर विशेष प्रकार के प्रतिबंधों को बताता है। इसका उपयोग प्रतिबंधों को लगाने के लिए अस्थाई या अस्थाई रूप से किया जाता है। तीर की दिशा यह संकेत करती है कि किसी ट्रैक पर प्रतिबंध लागू होता है, यानी कि जिस ट्रैक पर वो प्रतिबंध लागू होता है उस ट्रैक की ओर या तीर का निशान उस दिशा की ओर होता है। ये बोर्ड आमतौर पर काले और पीले रंग के होते हैं। पुराने समय में यह सांकेतिक तीर के निशान के लिए पीले रंग की पट्टी को रोशन किया जाता था, लेकिन आज इन पेंटिंग में ऐसे रंगों का उपयोग किया जाता है जो रात में भी पर्याप्त रोशनी प्रदान करते हैं। तो गति संकेतक जो होते हैं, आमतौर पर वह स्पीड का संकेतक बोर्ड होते हैं, स्पीड इंडिकेटर बोर्ड के नाम से जानते हैं इसे, जिसमें 700 मीटर पहले या कार्य स्थल से 800 मीटर पहले रखा जाता है। यह कॉशन इंडिकेटर को देखने के बाद ड्राइवरों का काम होता है कि वो अपने ट्रेन की रफ्तार को धीमी करना पड़ता है, यानी कि ये इंडिकेटर को जब ट्रेन का चालक देखता है तो उसे देख करके वो अपने गति को धीमी कर लेता है। तो समझ गए होंगे कि यह जो तीर के आकार का संकेतक होता है, इसका क्या कार्य होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, एक नए संकेत के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो अगर आपको यह जानकारी रुचिकर लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम दोस्तों।